सो गाइस, एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप लोग इंजॉय करते हो और अगर इतने कैपेबल हो कि अपने साथ किसी और को भी कुछ कर सको तो उसको ज़रूर करना। सो हमने पिज्ज़ा खाया है तो भैया कैसे रह जाएं, ये भैया जान पहचान वाले निकल गए, मतलब इलाहाबाद से हैं ये भैया और पति देव तो बिहार से हैं। हाथ मिला लिया, हाथ मिलाना मत, कोरोना का टाइम है। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। और कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? बीएसपी के हैं। अरे बीजेपी को ही, बीएसपी के कोई बात नहीं, भाड़ में गया तुम्हारी पार्टी हर जगह। नहीं सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, कभी भी आप लोग किसी की भी हेल्प कर सकते हो तो करो। थैंक यू भैया, बाय। सो आई हैव आस्क्ड देम, दे यूज गुड ब्रांड ऑफ चीज, ब्रांड तो मैं आपको नहीं बताने वाली हूं, बट हां आई विल आल्सो यूज। नहीं मैं बता देता हूं, एडिडास यूज करते हैं। दोस्तों आज ना मेरा पिज्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा था, बहुत टाइम हो गया मैंने पिज्ज़ा नहीं खाया है। सो पिज्ज़ा के नाम पे दो ही चीज़ें आ जाती है, या तो डोमिनोज या फिर पिज्ज़ा हट। बट कभी आप लोगों ने नोटिस किया आपके आसपास में बहुत सारे आउटलेट्स खुले होते हैं तो उनका कभी आपने पिज्ज़ा ट्राई किया? आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा और देखा होगा कि उन लोगों के पिज्ज़ाज ना पिज्ज़ा इवन डोमिनोज वगैरह से ज़्यादा बेटर होते हैं। तो आज एक ऐसी जगह पे मैं आपको लेके जाने वाली हूँ जिसका नाम है डिलीशियस। सो इसका जो एड्रेस है वो है ये, आप इसको ध्यान से देख लेना। इसके साथ ही मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड करूँगी। और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सब्सक्राइब का बटन ऐसा रखना और एंड तक वीडियो देखना। तो चलिए चलते हैं। Hello guys. So welcome. What are you ordering? Nothing, I'm just deciding what we should eat. Sudhir is on actually diet. No, Sudhir is on diet. So वो सिर्फ उसमें से veggies निकाल के खाएगा, बाकी पूरा पिज्जा मैं खाने वाली हूँ। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि सस्ता सस्ता क्या क्या है, so that we can order something. हाँ, ये बीवी है ना, इसलिए सस्ता सस्ता, अगर गर्लफ्रेंड होती तो सबसे महंगा वाला होता। I will not be eating some junk food. I'm looking for some healthy options. मैं थोड़ा सा healthy side में जा रहा हूँ आजकल। It's been a long time. I have not been following the diet. So today I will eat something really healthy. So I'm sure they must be having something healthy. Sir, do you have something healthy? Yeah, we have something. I will not be having Coke. It's been a long time. I have been drinking Coke. I have been, drinking another drink for a long time. But today I will try coffee or something. So good. They have some good shakes or something. Yeah. Maybe let's see. And they've got a lot of options here. Look at the menu. Menu looks really extensive. So they've got a lot of stuff. So let us decide what we're gonna eat. So their pizza starts from. Let me check. What is that? So what is the basic range of your pizza? 59 rupees, that's it. Yeah. So guys, the basic pizza is just for 59 rupees. I am going to try ki kaisa hai khane mein. The basic pizza is just for 59. I will allow my wife to have 3 or 4 pizzas. Because it's just for 59, yeah. So let us just... स्टाफ ने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ले रखे हैं, मास्क एंड ग्लव्स दोनों हैं उनके साथ। सो हेयर इज आवर कोल्ड कॉफी, इट्स माय कोल्ड कॉफी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये है सुधीर की चाय के बगान, अदरक चाय। सो अदरक के बनाया था और चाय के बनाया तो सुधीर के गुजारे नहीं है। मतलब सोचो पिज्जा के साथ कौन चाय लेता है यार हमारा। व्हाट इज दिस? क्लासिक वाला। दिस इज क्लासिक। ओके, कैसेडिया। ये टैकोस एंड दैट इज फॉर्म पिक, राइट? ओके फाइन। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट अ टैकोस pizza, quesadilla and everything. So let's see how's it.
So guys, you must be wondering who orders a cup of tea whenever you come to the pizza hut or pizza place. So I'm addicted to tea, I cannot do anything with that. So just enjoy. This is like really good. Cold coffee bahut strong hai, jaise chahiye hoti hai, and sugar is very light. Bahut achhi lagi mujhe is mamle mein, because I don't like too much sugar. Absolutely yours. मेरी चाय है, काफ़ी अच्छी चाय है, अदरक वाली है और माय केसरिया विद मी, सो दिस इज रियली गुड. सो आई हैव ऑर्डर्ड अ चिकन केसरिया. आई हैव ऑर्डर्ड चिकन बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटीन एंड आई एम फॉलोइंग सम काइंड ऑफ डाइट दिस डे, सो आई एम जस्ट अवॉइडिंग टू हैव सम पिज़्ज़ा. सो आई बी हैविंग आई बी एंजॉयिंग माय केसरिया विद अ कप ऑफ टी. I wanted to have it with some cold drink or maybe cold coffee, but cold coffee and cold drink have got a lot of unwanted calories. So of late I have become calorie conscious. I'll be enjoying my quesadilla. And it's very crispy, very juicy. It's a mutton taco, not just taco. Flavor bahut acha hai. Veggies bhi hai. Cheese acche se stuffing hai. Cheese ki lene ki ko sasta ho, thoda sa cheese dal ke chhod diya humne. The flavor is like totally awesome. So I just love this one. नॉर्थ इंडियन कबाब और उसके ऊपर आपने पिज्ज़ा सॉस एंड उसके साथ चीज़ डाले हैं, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगा मुझे उसका टैकोस का. बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, अमेजिंग. I cannot tell you what exactly is inside. it's quite difficult for me to understand the ingredients. So ये रुचि बताएगी आपको क्या क्या है, कैसा है, but मैं taste बता सकता हूँ. Taste is really good. Service is quite good. Staff seems to be courteous, or they are following all the protocols, COVID protocol. Yeah, that's what I like. It's very neat and clean. And you can see that, you know, there are a lot of people around. So maybe this could be a good hangout place in future as well. Yeah. So they are superb. इसमें capsicum है, onion है, tomatoes है, साथ में BBQ chicken है. जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है. इट्स वेरी टैगी. सो खट्टी चीज़ें शरीर को पसंद ही है, तो तभी तो मैं इतना अच्छा लगा है. राइट, मेरा भी खा रही है, अपना पिज्ज़ा भी खाएगी, मेरा भी खा रही है. डाइट ना? हाँ, तो डाइट है फिर भी ये तो नहीं खाना चाहिए. सो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसके अंदर की स्टफिंग खाई हूँ. सो दे विल ईट द रोटी ओनली. भाई मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं सिर्फ बच्चा बुच्चा ही खाता हूँ, सो आई एम यूज्ड टू इट. सो वैसे भी हम लोगों की, आदमी लोगों की वैसे भी सुनता हूँ मैं अपनी कंट्री में, सताए हुए हम लोग एक्चुअली. अपना नारी में अपना आदमी हो जाना चाहिए जो ज़रूर सुधीर बोलते हैं. बट बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा कैसे दिया. इट्स रियली गुड. टेस्ट कर रहा था ना कि अगर मे बी अगर अच्छी ना हो तो मैं रुचि को बोलूँगी ना प्लीज़ टेस्ट करना. सबसे अच्छी बात है इट्स जस्ट फॉर 129 रुपीज एंड इट्स क्वाइट हैवी, गुड फॉर वन पर्सन. आई एम सबको खाओ, पेट आपका पूरा फुल हो जाएगा. मेरा तो एक्चुअली हो गया है बट मैं खा रहा हूँ, वरना अगर मैं नहीं खाऊँगा तो ये सारा खा लेगी, तो इसलिए वरना वाइफ भी ट्राई कर सकता. काफ़ी अच्छा है, इसे प्रेटी गुड टैको एंड वेरी स्पाइसी. ये हमने मटन वाला लिया है, मटन की फिलिंग है इसके अंदर, मटन कबाब है और भी कुछ है वो ये बता दीजिए आपको बाद में. बट खाने के लिए पंचेस डालने के लिए है, मेरे ड्राइवर है, मुझको लेके आना है. जस्ट रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा बोलो मेरे को, सिर्फ आई गेट ओनली 200 रुपीज़ पर डे, बोलो थोड़ा मेहनताना बढ़ाने के लिए. आपको एक बार आना, आपको जरूर ट्राई करना. ऑर्डर तो मैं कहती हूँ, आई एम श्योर यू वांट टू. हम लोग वही चीज़ें रिकमेंड करते हैं जो हमें पर्सनली पसंद आती है, वरना वी डोंट पुट द वीडियो आउट. अगर मुझे नहीं लगता तो हम बोल देते हैं या फिर हम उसकी वीडियो अपलोड ही नहीं करते. फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्राई.
just for 59 rupees. Can it be only for 59 rupees? It's a great deal. So what you get in 59 rupees, you don't get anything in Delhi Gurgaon. You get so many things in 59 rupees, but not the pizza. I can bet for that. So पहले मैं इस पर कुछ चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं डालती इसको प्लेन खा के दिखाती हूँ कि आपको किस तरह का है बर्ड है या नहीं है लेकिन वाय नहीं है वो ड्राइनेस नहीं आया जिसको लगे एक बटरी फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर और चीज़ बहुत अच्छे से डाली है कंजूसी नहीं की है इन लोगों ने सो यस सस्ती है आप लोग आना उसके ऊपर जरूर ट्राई करना 59 रुपीज़ में तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है ये अमेजिंग पिज्ज़ा है यार सीरियसली गाइस फूड इज अमेजिंग दिस इज फार्मर्स पिक इसमें बहुत सारे टॉपिंग्स है एंड दिस इज विद पेरी पेरी सॉस तो थोड़ा स्पाइसी होने वाला है एसम कॉम्बिनेशन ऑफ पैटी एंड स्पाइसी दोनों चीज़ें मिली हैं इसमें जब सब पढ़ाई करने लगी है किसकी भी क्लासेस होती है थोड़ा एटीट्यूड ज़्यादा दिखाती है तो मैं कई बार अपना खाना खुद भी बना लेता हूँ प्रॉपर चीज़ है खूब सारी चीज़ है और टॉपिंग से बहुत अच्छे से डाली होती है चार टमाटर के पीस नहीं है चार स्लाइसिस के हिसाब से तो यार प्रीटी मच गुड डील कम हियर वंस ट्राई आई एम श्योर यू गोना कम हियर अगेन एंड अगेन सो गाइस वी आर गोना एंड दिस वीडियो हियर डिलीशियस पिज्ज़ा मानेसर में है एड्रेस पूरा मैंने आपको मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है आप लोग ज़रूर आना इस एक बार और ट्राई करना इनके पिज्ज़ास कैसेरियास कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी थी वेरी लाइट शुगर स्ट्रॉन्ग मज़ा आ गया मतलब पी के एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं And one more thing, this is a really good place, this is a cozy place, you can come with your girlfriend. In this it's really pretty good, you can do barbecue as well. It's a really good place, you can come here with friends and families as well. Just come with girlfriend because you will end up spending less money. If you come with your wife, then you have to spend a lot. Nah, just kidding. Just kidding. I mean, you can come with your lover one. Yeah, I'm going to come with my lover. Yeah, you can come with your lover. Yeah, I mean, you can come with your lover one. आप आ सकते हैं कभी भी यहाँ पे इट्स अ नाइस प्लेस एंड एंड द गुड थिंग इज दैट यू नो प्राइसेस आर क्वाइट रीजनेबल इट्स नॉट ऑन द एक्सपेंसिव साइड हम लोग आए ही इसलिए थे हमारा एक मोटिव भी ये था कि आप सबको पता ही है कि पिज़्ज़ा हट डोमिनोज का कैसे होता है हम लोग नॉर्मली खाते हैं काफ़ी खाते भी थे वी जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग एल्स द पिज़्ज़ा वॉज जस्ट फॉर 59 बक्स सो इट्स क्वाइट रीजनेबल सो ये अभी इन्होंने फ्रेश पीस बनाया फ्रेश बनाया मतलब अच्छा और उसके ऊपर ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बनाई हुई है कहीं से आप बाय करते थे एंड दिस इज चीज ब्लेंडर अच्छा ये पहले हाफ बेक करा अच्छा हाफ बेक करते पहले से तो आप देख सकते हैं सबने मास्क एंड ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं सो प्रोटोकॉल सारा फॉलो करते हैं ये लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस बनता है देख सकते हो इट्स लाइक रियली नीट एंड क्लीन कहीं भी गंदगी नजर नहीं आई आएगी आपको तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत पसंद आई तो आप देख सकते हो ये ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस है फटाफट से हाथ चल रहे हैं इनके सर्विस इज लाइक रियली गुड सो गाइस ट्रस्ट मी इनके पिज्जास बहुत अमेजिंग है नॉट जस्ट पिज्जास टाकोस केसादियास एवरीथिंग वाज लाइक सुपर्ब आप लोग आना और एक बार जरूर ट्राई करना एंड हियर इट गोज इन द ओवन पार्ट व्हिच आई डोंट लाइक सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ओके टाटा